हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब तक एक राजा हथियार नहीं डाल देता और जब तक जीतने वाले राजा की शरण में नहीं चला जाता या फिर उसका वध नहीं हो जाता, तब तक दूसरे राजा की जीत संपूर्ण नहीं होती। और सिद्धांत के अनुसार युद्ध समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा राजा फिर सामने आकर युद्ध कर सकता है। अभी हमने ना हथियार डाले हैं, ना शत्रु की शरण में गए हैं, और ना ही हमने हार की घोषणा की है, और ना ही आपका वध हुआ है। स्वयं भगवान भी मुझे सम्राट बनने का अवसर प्रदान करें तो मैं उसे ठुकरा दूंगा, और उसके बदले पांचों पांडवों के सर्वनाश करने की शक्ति मांग लूंगा। मैं पांचों पांडवों के सर्वनाश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अपने माथे पर भगोड़ा होने का कलंक लगाने और कहीं भी चले जाने को तैयार हूं अश्वत्थामा। मुझे जल को स्तंभित करने की विद्या आती है। मैं जल के अंदर छुपकर जल को अचल कर दूंगा। यदि पांडव मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच भी गए तब भी उनको ज्ञात नहीं होगा कि जल के अंदर कोई मनुष्य छुपा है। मेरे भाई, मेरे अंतिम भाई दुशासन की कितनी विभत्सता से हत्या कर दी, कितना तड़पा तड़पा के मारा है उसे, उसकी भुजाओं को उखाड़ के फेंक दिया। दोनों हाथों से उसने दुशासन की छाती को फाड़कर उसका रक्त पी गया। वो उसका रक्त, और मैं उस भीम और उन पांडवों को जीवित छोड़कर अपनी जान को बचाकर भाग जाऊं। नहीं कृपाचार्य, कदापि नहीं, कदापि नहीं। परंतु युवराज, हम इस समय पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी सारी सेना नष्ट हो चुकी है। अब हम केवल 4 योद्धा बचे हैं, कब तक युद्ध करेंगे? इसलिए कल युद्ध करने से कोई लाभ नहीं। युद्ध कल नहीं होगा, आज होगा, आज रात को। आज ही रात को? हाँ, आज रात को, जब पांचों पांडव अपने शिविर में चैन की नींद सोए कल की विजय के सपने देख रहे होंगे, तब मैं अकेला ही गदा लेकर उन पर टूट पड़ूंगा। यदि पांचों के पांचों नहीं तो कम से कम एक पांडव तो मारा जाएगा मेरे हाथों। परंतु ये तो अधर्म है, क्षत्रियों की युद्ध नीति के विरुद्ध कार्य है। और आपने जो मुझे युद्ध भूमि से भाग खड़े होने की सलाह दी है, वो क्या क्षत्रिय धर्म के अनुसार है? क्षत्रिय योद्धा अपने प्राण त्यागना पसंद करते हैं, भाग जाना नहीं। मैं आपको अपनी जान के डर से युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाने के लिए नहीं कह रहा हूं युवराज। तो फिर किस लिए कह रहे हैं? जिस प्रकार से युद्ध आरंभ होने के नियम होते हैं, उसी प्रकार से युद्ध की समाप्ति के भी कुछ नियम निश्चित हैं युवराज। जब तक एक राजा हथियार नहीं डाल देता और जब तक जीतने वाले राजा की शरण में नहीं चला जाता या फिर उसका वध नहीं हो जाता, तब तक दूसरे राजा की जीत संपूर्ण नहीं होती। और सिद्धांत के अनुसार युद्ध समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा राजा फिर सामने आकर युद्ध कर सकता है। और उसे फिर सामने आकर युद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि वो जीवित रहे। गुरु कृपाचार्य ठीक कह रहे हैं युवराज। अभी हमने ना हथियार डाले हैं, ना शत्रु की शरण में गए हैं, और ना ही हमने हार की घोषणा की है, और ना ही आपका वध हुआ है। और जब तक आप जीवित हैं युवराज, पांडव जीत कर भी जीत की घोषणा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्वयं पांडवों के शिविर में घुसकर
और स्वयं अपना बलिदान करके उन्हें विजय अवसर मनाने का अवसर नहीं देना चाहिए युवराज। यही सोचकर मैंने आपको सलाह दी है कि कल युद्ध भूमि पर उतरकर अपनी मृत्यु का तमाशा देखने के बदले रात के इस अंधेरे में आप किसी ऐसी जगह पर जाकर छुप जाइए जहां पांडवों का साया तक न पहुंच सके। युवराज, और इस बीच हम फिर एक सेना खड़ी करके अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे। ऐसा करने से शत्रु आपको कायर अवश्य कहेंगे, परंतु यह हमारी कूटनीति का एक हिस्सा होगा जिसके कारण हम यह युद्ध फिर से जीत सकते हैं। मित्र अश्वत्थामा, अब अपना सब कुछ गंवाने के बाद मैं ना ये युद्ध जीतना चाहता हूं और ना इस युद्ध के बाद जीना चाहता हूं, परंतु मरने से पहले उन पांचों पांडवों का सर्वनाश करना चाहता हूं। मेरी सदा ही एक ही इच्छा रही है कि मैं भारतवर्ष का सम्राट बन जाऊं, परंतु अब स्वयं भगवान भी मुझे सम्राट बनने का अवसर प्रदान करें तो मैं उसे ठुकरा दूंगा और उसके बदले पांचों पांडवों के सर्वनाश करने की शक्ति मांग लूंगा। मैं पांचों पांडवों के सर्वनाश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अपने माथे पर भगोड़ा होने का कलंक लगाने और कहीं भी चले जाने को तैयार हूं अश्वत्थामा, कहीं भी चले जाने को तैयार हूं। युवराज, आपने ये निर्णय भावुक होकर लिया है, इसलिए एक बार और सोच लीजिए। अधिक भावुक तो मैं तब हुआ था कृपाचार्य, जब मैंने आपकी सलाह पर आप पर क्रोध प्रकट किया। आपने सही ही सुझाव दिया था, अब मैं आपके सुझावों को आदेश समझकर उसका पालन करूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए कृपाचार्य। परंतु आप जाएंगे कहां? कुरुक्षेत्र के उत्तर की ओर में जो सरोवर है वहां। परंतु युवराज, आप सरोवर में कैसे छिपेंगे? मुझे जल को स्तंभित करने की विद्या आती है, मैं जल के अंदर छुपकर जल को अचल कर दूंगा। यदि पांडव मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच भी गए तब भी उनको ज्ञात नहीं होगा कि जल के अंदर कोई मनुष्य छुपा है।